नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने अगवा किए पूर्व सरपंच और बीजेपी कार्यकर्ता महेश गोटा को अधमरा कर छोड़ दिया। लाठी डंडे से उसकी पिटाई कर धारदार हथियार से उस पर वार किया, वही सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। नक्सलियों ने महेश गोटा को रात करीब 11 बजे फरसेगढ़ करूठू मार्ग पर अधमरा कर फेंक दिया था। जानकारी परिजनों को मिली तो कुछ ही देर में वो मौके पर पहुंचे, फिर एम्बुलेंस 108 की मदद से घायल को बीजापुर जिला अस्पताल लाया गया। नाजुक हालत को देखते हुए उसे जगदलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वही बता दें कि कई गांवों के करीब 200 से 250 ग्रामीण रविवार की सुबह पूजा करने के लिए दामाराम गांव में स्थित कुपरेल की पहाड़ी गए थे। इस दौरान 50 से ज्यादा ग्रामीणों को नक्सलियों ने अगवा कर लिया और अपने साथ ले गए, जिसमें पूर्व सरपंच महेश गोटा भी शामिल थे। नक्सलियों ने पूछताछ के बाद 39 ग्रामीणों को उसी दिन देर शाम को छोड़ दिया था, जबकि महेश गोटा को अब तक बंधक बनाकर रखा हुआ था। वही अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बस्तर की सारी 12 विधानसभा सीट जीतने और प्रदेश में सरकार बनाने भाजपा चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। एक तरफ जहां केंद्र और राज्य स्तर के बड़े नेता बस्तर का लगातार दौरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब पड़ोसी राज्य उड़ीसा के भाजपा के MLA नेता वही नित्यानंद गोंड, नौरी नायक और सुभाष पड़ीगृह बस्तर आ रहे हैं। इन तीनों को आज 22 अगस्त को से लेकर के पूरे 28 अगस्त तक बस्तर में ही रहेंगे। वही आपको बता दें कि बूथ स्तर पर जाकर भाजपा के लिए ये माहौल बनाएंगे, साथ ही चुनावी समीकरण जानेंगे। वही अगली खबर, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां 21 प्रत्याशियों का ऐलान करने के बाद भाजपा सभी उम्मीदवारों को जीत की तैयारी के लिए प्रदेश मुख्यालय बुलाई है, वहीं आज पार्टी के बड़े नेता चुनावी रणनीतियों को लेकर इसकी क्लास लेंगे। वहीं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक होगी, जहां वरिष्ठ नेता सभी प्रत्याशियों को चुनावी टिप्स देंगे, साथ ही विधानसभा में ग्राउंड स्ट्रैटेजी पर चर्चा भी की जाएगी। वही अगली खबर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से, जहां डिवीजन बेंच ने असिस्टेंट टीचर भर्ती प्रक्रिया में BED उम्मीदवारों की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। वही बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा भर्ती शैक्षणिक सर्वर्ग वही भर्ती नियम 2019 में किए गए संशोधन को चुनौती देते हुए BED की अनिवार्यता को अवैधानिक बताया था, जिसके बाद BED प्रशिक्षित अभ्यर्थी विकास सिंह और युवराज सिंह सहित अन्य ने एडवोकेट अजय श्रीवास्तव के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया है कि 4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों के तकरीबन 6,500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया, जिसके बाद 10 जून को इसके लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।